दिल्ली वायु प्रदूषण कुछ कम ही हुआ था कि अब जल प्रदूषण नया मुद्दा बन गया। लोगों की सेहत तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले इस मामले पर पॉलिटिक्स भरपूर हो रही है। और अब दिल्ली की सियासत में दूषित पानी की कितनी अहमियत बन गई है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली's वाटर क्वालिटी इज बेटर देन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। प्रदूषण की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। जहरीली हवा के बाद अब स्वच्छ पानी के लिए दिल्ली में दंगल शुरू हो चुका है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी सबसे खराब निकला। रिपोर्ट आने के साथ ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार का घेराव करना शुरू कर दिया। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली की 400 जगहों पर हल्ला बोल किया। सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बयानों के तीर चलाए। कि हवा भी गंदा कर दिया, पानी भी गंदा कर दिया, यहाँ का पूरा माहौल गंदा कर दिया दिल्ली का। ऐसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को जवाब दो कि हवा भी गंदा, पानी भी गंदा, दिल्ली कैसे जिए। मनोज तिवारी के हमले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। केजरीवाल ने पानी को जहरीला बताने वाली उस रिपोर्ट को राजनीति का एक नया हथियार करार दिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो पानी अच्छा है उसके बारे में इस तरह से केंद्र सरकार के मंत्री लोगों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से आज सुबह हम लोगों ने निर्णय लिया है कि लोगों के सामने, मीडिया के सामने, विपक्ष के सामने हम लोग सैंपल उठाएंगे और उस सैंपल की जांच कराएंगे और वो जांच करके रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहरीले पानी पर लोगों की फिक्र तो किसी ने नहीं की, लेकिन राजनीति करने वाले खूब नजर आए। जरा एक नजर केंद्र सरकार की तरफ से पेश की गई उस रिपोर्ट पर भी डालते हैं, जिसमें दिल्ली के पानी को जहरीला बताया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 20 राज्यों में कई शहरों के पानी की जांच की। जांच के लिए दिल्ली की 11 जगहों से सैंपल्स इकट्ठा किए गए। इनमें कृषि मंत्रालय, बुराड़ी, सोनिया विहार और रामविलास पासवान का घर भी शामिल है। दिल्ली का पानी 19 मापदंडों पर पूरी तरीके से फेल पाया गया। पानी में TDS, pH, एल्मोनियम, नाइट्रेट, डिटर्जेंट के अलावा ई कॉइल जैसे बैक्टीरिया भी मिले। रिपोर्ट का दावा है कि दिल्ली के नालों में पानी की शक्ल जहर निकल रहा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल अपने दस्तावेजों को अपनी रिपोर्ट लेकर के आ गए। दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट जो दावा करती है कि दिल्ली का पानी पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ है। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के पानी को लेकर रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक लिए गए सैंपल्स पर आधारित है। रिपोर्ट के लिए दिल्ली से 545 सैंपल्स इकट्ठा किए गए। इनमें से 518 सैंपल्स पास और 27 सैंपल फेल हुए, यानी करीब 4.9% सैंपल फेल हुए। WHO के स्टैंडर्ड से 5% तक फेल होने पर भी खतरा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को साथ में चलकर पानी की जांच कराने का चैलेंज किया है, तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान इस चैलेंज को मानने के लिए तैयार हैं। बीजेपी अपना मोर्चा खोल रही है। इन सब के बीच सवाल सता रहा है कि आम लोग जो जहर जैसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, उनकी फिक्र किसको है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।